हंटरगंज के पांडेपुरा कर्मा गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता और उसकी दूध मुही एक वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। मृतिका रंजीत यादव की पत्नी संजू देवी और एक वर्षीय पुत्री प्रियांशु कुमारी है। माँ और बेटी का शव घर से कुछ ही दूरी स्थित एक तालाब से बरामद किया गया। तालाब के किनारे मृत अवस्था में ग्रामीणों ने माँ बेटी को देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दिया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। आक्रोशित मृतिका के मायके वालों ने थोड़ी देर के लिए प्रतापपुर पांडेपुरा रोड को जाम किया, लेकिन एसडीओ अविनाश कुमार के समझाने बुझाने के बाद जाम को हटा लिया। मृतिका के पिता प्रतापपुर घोड़द्वार गांव के महंगो यादव ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व उनकी बेटी की शादी रंजीत यादव से हुई थी। शादी के बाद से लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। आज के दिन दामाद और दामाद के बाप माय तीनों बिंद के हत्या कर देना हमार बेटी और नतनी के फांसी देख के तीनक के दहेज आओ खोज के कारण नतनी के उठा के पटक के मर दंदक और बेटी के नरोटी चाप के गंदा दवा के मार देना तीनों मिल के और मिलके कारमा गांव में हमार बेटी के ससुराल है। 2 साल पहले अपर सा बच्चा के ऑपरेशन से बच्चा हुए ना। दहेज के बारे में मारपीट हमेशा बेटी के करते जाए थे। घटना से एक दिन पूर्व कृतिका ने पति ससुर और सास के द्वारा बेरहमी से मारपीट करने की बात बताई थी। दूसरे दिन घटना की जानकारी मायके वालों को मिली। मृतिका के पिता ने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जिसके बाद पंचायत पहल के अनुसार संजू को ससुराल भेजा गया था। दोषियों के धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। घटना के बाद मायके वाले फरार।